Hello everyone, good morning. I hope you all are fine. Today's subject English. For today's topic, Ida the Elephant. ये क्या है? ये हमारी English का story का name है. आप मैंने सुना है कई बच्चों ने ये story learn नहीं की है. तो आपने अभी paper लिखे ना? सभी paper अच्छे से लिखे. आप सभी को marks भी अच्छे से आए हैं. तो writing तो आपने अच्छे से कर ली. फिर oral? तो oral में भी आपको अच्छे marks चाहिए ना? तो आपको ये इला दी एलिफेंट वाली स्टोरी भी लर्न करनी पड़ेगी. देखो आज मैं आपको ये सिर्फ तीन लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ. तो आपको सिर्फ तीन लाइन ही आपको लर्न करनी है. चलो मैं इसमें बताती हूँ इला दी एलिफेंट में क्या है. एक मम्मा एलिफेंट है और उसका बेबी है. उसका नाम क्या है? इला. चलो बेबी एलिफेंट का नाम है इला. तो मैं आपको यहाँ से स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ. वन डे इला यानी कि एलिफेंट का बच्चा द बेबी एलिफेंट. एलिफेंट का बच्चा वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ वॉक इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में गया था और वहां से जंगल में से चल के आ रहा था. सी वॉज सैड यानी कि वो उदास था. व्हेन शी केम होम जब वो घर पहुंचा मम्मा एलिफेंट तब उसकी मम्मा ने उसको पूछा व्हाट्स रॉन्ग इला. देखो ये मम्मा बोल रही है व्हाट्स रॉन्ग इला. मम्मा एलिफेंट ने इला को पूछा क्या हुआ इला. व्हाई आर यू सैड तुम उदास क्यों हो. तो हमें यहाँ तक व्हाई आर यू सैड यहाँ तक हमें ये सिर्फ तीन लाइन में मतलब करनी है. मैं आपको एक बार वापस लिख कराती हूँ. वन डे इला एक दिन इला तो बेबी एलिफेंट एलिफेंट का बच्चा वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ वॉक इन द फॉरेस्ट. वो जंगल से चल के घर आ रहा था. सी वॉज सेड